दोस्तों, केदारनाथ धाम भगवान शिव का सबसे ज्यादा रहस्यमय और चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव का एक अनोखा शिवलिंग है। ऐसा शिवलिंग आपने भगवान शिव के किसी अन्य मंदिर में नहीं देखा होगा। इस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि यह धरती से स्वयं उत्पन्न हुआ था। इसकी खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने करी थी। दोस्तों, इस बार 2022 में जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, तो भक्तों में भगवान के दर्शन के प्रति एक गजब उत्साह देखने को मिला। इस साल भक्तों ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया के किसी भी मंदिर में इतने भक्त नहीं आते, जितने भक्त केदारनाथ धाम में 2 महीने में आ गए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर साल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम ही नहीं, बल्कि बद्रीनाथ धाम भी आए थे। ये 6वीं बार है जब मोदी जी केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आए थे और भोले बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां करी गई हैं, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि कलयुग का अंत कब होगा, दुनिया का विनाश कब होगा, दुनिया के विनाश के पहले प्रकृति हमें कौन कौन से संकेत देगी और हिंदू धर्म कैसे समाप्त हो जाएगा। आज की इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने का है, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले लगभग 18 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार थे 6 भक्त, पायलट समेत 7 लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे। ऐसी घटनाएं सुनकर आप हमेशा नजरअंदाज और अनसुना कर देते हैं, लेकिन ये घटनाएं हमें कुछ बताना चाहती हैं। लेकिन क्या? तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी गलती थी जो हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट ने करी, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी, और ये घटना हमें किस प्रकार के संकेत दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अवश्य करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक, और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी हमें सुपर एडवांस और सुपर फास्ट बना रही है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने पर ये हमें हमारे पतन की ओर भी ले जा रही है। आज से काफी समय पहले टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी, मानव और भी ज्यादा उन्नत हुआ करता था। ऋषि एक क्षण में सामने वाले का दिमाग पढ़ लिया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह पर हजारों किलोमीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, तब का मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग नहीं करता था। वे अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ही करते थे जितनी आवश्यकता हो, लेकिन आज का मनुष्य एकदम अंधा हो चुका है। लालच के चक्कर में टेक्नोलॉजी का उपयोग तो खूब कर रहा है, लेकिन उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। पहले लोग अपनी जान से ज्यादा अपने धर्म को मानते थे, लेकिन आज धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग नॉनवेज मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपनी धार्मिक पुस्तकों के पन्ने पलटे हैं? अगर पलटे होते तो आज ऐसी स्थिति न होती। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोग बदलते गए, परंपराएं बदलती गई। पहले लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, फिर साइकिल, फिर बाइक और फिर 4-व्हीलर, और अब तो हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उपयोग करना गलत है, लेकिन उपयोग करते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि 18 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त विशेष नियमों का ध्यान रखा गया होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना न हुई होती। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। इस घटना के बारे में जब मैंने थोड़ी और छानबीन करी तो मुझे पता चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश की ये कोई पहली घटना नहीं है। साल 2010 में हेलीकॉप्टर से एक शख्स का सर कट गया था। 3 अप्रैल 2018 को बिजली के तारों में उलझकर एक चॉपर क्रैश हो गया था। 2013 में गरुड़ चट्टी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 25 जून 2013 में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, भविष्य बताने वाले ग्रंथ भविष्य मालिका में भी ये भविष्यवाणियां की गई हैं कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तो हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थानों से अनिष्ट के संकेत मिलेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि कुछ सालों से हिंदू धर्म के 4 धामों से, यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ और रामेश्वरम से कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी भी नहीं घटी, और अब ये हेलीकॉप्टर की घटना।
दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग बीतता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे धर्म का पतन होता जा रहा है। लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लोगों की आस्था कम होती जा रही है। अब तो लोग खुद को नास्तिक कहने लगे हैं। प्रकृति द्वारा हादसे कभी कभार होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्मों से हादसे अक्सर होते रहते हैं। इसलिए क्रैश हुए हैं क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में कंपनियां खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को उड़वाती हैं। इसी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हादसा कैसे हुआ। दोस्तों, जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आ रहा था तो उसमें पायलट समेत 7 लोग सवार थे। लेकिन लोगों का कहना है कि उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ कोहरा था, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर एक चट्टान से जा टकराता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गरुड़ चट्टी में गिर जाता है। दोस्तों, अब तक ऐसी इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोगों के दिलों में भय बैठ गया है। केदारनाथ धाम में साल 2003 में हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की गई थी और तब से अब तक तकरीबन 6 से 7 घटनाएं घट चुकी हैं। ये ऐसे अशुभ संकेत हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भविष्य मालिका पुस्तक में केदारनाथ धाम के बारे में कुछ भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, जो एक बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही हैं। भविष्यवाणियों के माध्यम से तो ये भी बताया गया है कि केदारनाथ धाम एक दिन लुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे भक्त केदारेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। दोस्तों, हिमालय की चोटियों के बीच स्थित भोलेनाथ के इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है और यह मंदिर जागृत महादेव भी कहलाता है। दोस्तों, केदारनाथ समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।